गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स की। सबसे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा कि अगर आप क्लास इलेवंथ में नहीं पढ़े, क्लास इलेवंथ से बिल्कुल अलग है क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। वहाँ आप मैकेनिक्स पढ़ते थे, वहाँ न्यूटन स्लो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑप्टिक्स चलेगी। इसमें आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं है जो आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ा है। तो बिल्कुल कूल होकर के आप सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से पढ़िएगा, गारंटी मेरी है। अगर आप 90 प्लस ना ले आए, आप एक चीज़ समझिएगा, हमारे पास सिलेबस में सिर्फ 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आप भूल जाइए कि नेक्स्ट कुछ यूनिट दूसरी भी बची हुई है। मान लीजिए आपको एक पे ही फोकस करना है और 8 मार्क्स की ये फाइनल एग्जाम में है और आपको 8 के 8 मार्क्स आपको इसमें अचीव करने हैं। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, जिस चैप्टर का फर्स्ट नाम चार्ज है। जी समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास 8 मार्क्स की है जिसके फर्स्ट चैप्टर का नाम चार्ज है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता क्या है। यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट है। मेरी गारंटी है अगर आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं 8 के 8 मार्क्स ना दिला दूँ, आप इसी वीडियो में, मतलब इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और अरिहंत का एक सैंपल पेपर होता है 100% सक्सेस, और एक होता है चैप्टर वाइज, मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा इन वीडियोस में ही। बस आप ध्यान से समझते जाइएगा फर्स्ट यूनिट से 9th यूनिट तक, और आप सिर्फ सीरीज में फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है चार्ज, जिस चैप्टर को मैं आपको सिर्फ 2 वीडियोस में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 40-50 मिनट्स की वीडियोस में आपको ये क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं जी, कोई पूछ लेता है आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रो मैंने होता है चार्ज, ये लिखा हुआ है जी। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो अगर फिजिक्स की किसी ब्रांच के अंदर आप चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं, तो आप उस ब्रांच को फिजिक्स की इलेक्ट्रो स्टैटिक्स कहते हैं। फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आप रेस्ट पोजीशन में चार्ज पार्टिकल को पढ़ते हैं, और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आप चार्ज पार्टिकल को मोशन में पढ़ते हैं। तो हमें तो सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है अभी। ये मान लीजिए आपको 8 के 8 मार्क्स इसमें निकालने हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की चार्ज। चार्ज चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़िएगा कि आप किस पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल कहेंगे या किसको आप चार्ज पार्टिकल नहीं कहेंगे। एक चीज समझिएगा, हमने क्लास 10th में ये बात पढ़ी थी, देयर इज एन इंट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, मतलब चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी करते हैं एंड रेपल भी करते हैं, याद है सभी को जी। अब समझिएगा, हमने क्या कहा था, वहां अट्रैक्शन और रिपल्सन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के अंदर की, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप कभी भी अट्रैक्शन से ये पता नहीं कर सकते कि पार्टिकल चार्ज्ड है या नहीं, आप हमेशा रिपल्सन से पता करेंगे कि पार्टिकल चार्ज्ड है या नहीं। तो डेफिनेशन बनती है आपके पास एक चार्ज पार्टिकल की, ये कि इट इज द पार्टिकल दैट कैन रिपेल टू द सिमिलर पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल होगा। दैट पार्टिकल कैन रिपेल टू द सिमिलर पार्टिकल सेड टू बी चार्ज पार्टिकल। आपके पास ये सीबीएसई बोर्ड में पहले भी एक 1 मार्क में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है कि श्योर टेस्ट, एक डेफिनेट टेस्ट क्या होगा कि मैं पार्टिकल को चार्ज्ड या अनचार्ज्ड कहूं।
कई बच्चे अट्रैक्शन लिख करके आए थे, वो गलत था। तो आप क्या कहेंगे? रिपल्सन। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट जो आपको बताएगा कि पार्टिकल चार्ज्ड है या नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन तो मासेस के बीच भी होता है, जो आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ के आए थे। मेरा मार्कर और मेरा बोर्ड एक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये चार्ज्ड होते तो ये रेपल भी कर सकते थे, अगर सिमिलर चार्ज्ड होते। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल तो दो ही तरह के हैं। आप क्लास 10th में जो आप पढ़ के आए थे, बिल्कुल ऐसा ही क्लास 12th में पढ़ना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे उसका एग्जाम्पल मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं। सबसे पहले आप प्रोटॉन कहेंगे, फिर सेकंड आप उसका एग्जाम्पल देने में असमर्थ भी हो सकते हैं, तो आप सेकंड एग्जाम्पल उसका ड्यूट्रॉन देंगे। ड्यूट्रॉन होता क्या है, इस वीडियो में टोटल डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, समझिए ध्यान से। पहला एग्जाम्पल इसमें है प्रोटॉन। एग्जाम्पल सेकंड ड्यूट्रॉन, और थर्ड एग्जाम्पल आप लेंगे अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन तो आप जानते हैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल कहते किसे हैं, जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल हो, लगभग 10,000 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल हो, तो उसे आप एक एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सेकेंड एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। जब कभी न्यूक्लियस डिफ्यूज होता है तब इस बीटा नेगेटिव पार्टिकल का जन्म होता है, ये आपको मैं मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा। होता ये भी इतने ही मास का है जितना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये एक अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल चार्ज पार्टिकल। अब बात करते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रेनियम। ड्यूट्रेनियम मतलब 1H2। 1H2 के न्यूक्लियस को आप ड्यूट्रॉन बोलते हैं। ये होता है चार्ज नंबर और ये होता है मास नंबर। चार्ज नंबर के बराबर होते हैं प्रोटॉन्स, मतलब एक ड्यूट्रेनियम पर एक प्रोटॉन होता है और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो मतलब एक ड्यूट्रॉन के पास दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब ये ड्यूट्रॉन है और इसके अंदर दो न्यूक्लियॉन्स होंगे, लेकिन एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो होता है एक प्रोटॉन जितना, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अनचार्ज्ड है, तो प्लस ई, और मास होता है इसका एक प्रोटॉन से 2 times, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग लगभग बराबर ही मास होता है। तो एक ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से 2x हैवियर होता है और चार्ज बिल्कुल एक प्रोटॉन के बराबर होता है। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास एंड चार्ज दोनों हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है एंड एटॉमिक मास 4, तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे, 1, 2, 3, 4, लेकिन 4 न्यूक्लियॉन्स में से 2 क्या होंगे, प्रोटॉन्स। तो पी पी, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, प्लस 2e, क्योंकि आप प्रोटॉन पर चार्ज हमेशा प्लस ई के बराबर मानेंगे और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई के बराबर मानेंगे, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका।
ये दो हुए न्यूट्रॉन। अब इनका मास लगभग बराबर, तो इसका मास 4 times to the mass ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से एक अल्फा पार्टिकल का मास 4 times होता है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फर्स्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वो रिपेल करेगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो दूसरे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा। दरअसल यहाँ सिमिलर चार्ज पार्टिकल या लाइक चार्जेस इसलिए रिपेल करते हैं ताकि वो अगर अट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले ये समझिएगा वो अट्रैक्ट करते क्यों हैं, उसके बाद आपके रिपल्सन समझ में आएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दरअसल न्यूट्रल पार्टिकल हमेशा, अगर कभी दोबारा से बिग बैंग भी होता है तो वो स्टेबल रहेंगे, वो सबसे बाद में डिस्ट्रॉय होंगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल खुद को न्यूट्रल करने के लिए एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये बिग बैंग थ्योरी में खुद म खुद स्टीफन हॉकिंग्स ने द कॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल बुक में लिखा हुआ है। तो आप ये समझिएगा कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन उनकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए होता है, और रेपल्सन भी सिमिलर चार्ज पार्टिकल का उनकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए होता है, ताकि अगर +2 कूलंब और +2 कूलंब आपस में कभी अट्रैक्ट कर गए तो +4 कूलंब हो जाएंगे, तो उसका न्यूट्रल होना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप समझिएगा मैंने क्या कहा आपको, कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इस पर रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल कई बार आया हुआ है, इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड में आ चुका है, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बुक में मिलता है, तो आप उसे ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा जरा। इफ ए बी सी डी आर 4 charges एंड ए अट्रैक्ट बी, बी रिपेल सी एंड सी रिपेल डी, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड डी। सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल में आप 4 charges ए बी सी को ए बी सी डी मान लीजिएगा, ए बी सी डी। अब न्यूमेरिकल को आप दोबारा से पढ़िएगा, यहां से ए अट्रैक्ट बी, ए बी को अट्रैक्ट करता है, जब ए बी को अट्रैक्ट करता है तो आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइएगा दोनों पे अपोजिट चार्जों का। मान लीजिए ए अगर पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, बी रिपल सी, जब बी सी को रिपल करता है तो सी पर भी बी के सिमिलर ही चार्ज होगा, तो मतलब इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद सी रिपल डी, सी डी को रिपल करता है, सी जब डी को रिपल करता है तो सी पर भी जो चार्ज है वही डी पर होगा, दे विल रिपल ईच अदर। नाउ अब इन दोनों के बीच पूछा गया है कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसका नेचर कैसा है, भाई ये पॉजिटिव निकला आपको आपके पास फाइनली और ये नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ए अट्रैक्ट डी। तो यहां नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन। जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है उस इंट्रैक्टिंग फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। वो रिपल्सन हो सकता है अगर सिमिलर चार्ज पार्टिकल है या लाइक चार्ज पार्टिकल है, एंड अट्रैक्शन हो सकता है अगर ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल है। अब बात करते हैं किस कंडीशन में सिमिलर चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, और दूसरा चार्ज पार्टिकल हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड का मतलब है टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, तब दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, भले ही दोनों सिमिलर क्यों ना हो।
अब आप सोचेंगे कि विशाल सर ने जो पढ़ाया वो गलत हो गया। नहीं जी, अब वो अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन अब इस बड़े वाले चार्ज के मास के कारण ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा है, और इस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपको ऐसा महसूस देगा कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हुए हैं। भाई वो हुए तो रेपेल ही थे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तब आपको दिखाई दिया ऐसा कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमें सिमिलर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नजर आते हैं। अगर आपके पास ये बोर्ड में फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है कि राइट द कंडीशन वेयर द सिमिलर चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट ईच अदर, आप क्या कहेंगे? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज वेरी लार्ज एंड अनदर इज हाईली डिमिनिश्ड देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इवन दे हैव सिमिलर चार्ज बिकॉज दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस। बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है, जिसे आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, लेकिन एक होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम्ब। अच्छा, आप लोग, मैंने मतलब पढ़ाते हुए क्लास में कई बार बच्चों से क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस यूनिट, तो कई बार बच्चे बोल देते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अरे भाई, क्या कभी आपने कैपिटल सी से सेंटीमीटर को लिखा देखा है? नहीं, कैपिटल सी से तो आप कूलम्ब को लिखते हैं, कैपिटल जी से मैंने कभी ग्राम नहीं लिखा, तो कैपिटल जी से ग्राम नहीं लिखते। कैपिटल एस से हम कभी भी सेकंड नहीं लिखते, सेकंड हमेशा हम स्मॉल एस से लिखते हैं, और ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है बुक्स में वो कैपिटल में लिखी हुई है। वो बात दूसरी है, दरअसल आप जहाँ भी आपने सीजीएस के बारे में पढ़ा है आप इस तरीके से पढ़िएगा, वहाँ उस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम। ये एक साइंटिस्ट हैं, अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम, तो वो साइंटिस्ट जो थे गॉस, उन्होंने एक सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम बनाया था जिसमें आप, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम, जिसमें आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मास को ग्राम एंड टाइम को सेकंड में नापते हैं। वो बात दूसरी है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम ही है, इसे प्लीज आप सेंटीमीटर ग्राम सेकंड नहीं कहेंगे। चलिए, खैर, कम टू द पॉइंट माय डियर। इसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर थ्री मेथड्स, मेनली थ्री मेथड्स टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। पहला मेथड आप कई बार बचपने में कर लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा करके चार्ज को ट्रांसफर करना, मतलब फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होगा, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक पेपर लिया और पेपर को ऐसे आपने सर पे ऐसे किया, मान लीजिए आपने इस तरीके से, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेल होता तो ये इसे अट्रैक्ट करता और चार्ज दोनों में ट्रांसफर हुआ। ये फ्रिक्शनल मेथड है। फ्रिक्शनल मेथड में क्या होता है, आप एक बॉडी को बहुत ज़्यादा रब करते हैं और रब करने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरी बॉडी उसे अट्रैक्ट करती है। ये फ्रिक्शनल मेथड है। फ्रिक्शनल मेथड इज द फर्स्ट मेथड टू ट्रांसफर चार्ज। एक मेथड होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट मेथड है इंडक्शन एंड कंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड में आप क्या लेंगे, सबसे पहले आपने एक, मान लीजिए न्यूट्रल प्लेट ली है, ये न्यूट्रल प्लेट आप सबसे पहले किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल इसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अगर आप इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कभी भी एक बॉडी को आप अगर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ही पॉसिबल है। हमेशा एक बॉडी से आप दूसरी बॉडी पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा बाउंडेड है और वो फोर्स यूनिवर्स में सबसे
स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है वो 100 times स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो कभी भी आप प्रोटॉन्स को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए इस पॉजिटिव प्लेट को मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल से कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने कर दिया, इसका दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है। अब पॉजिटिव टर्मिनल ये है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा आप बड़ा बनाते हैं क्योंकि पोटेंशियल उसके अंदर इलेक्ट्रोड बड़ा होता है, और नेगेटिव टर्मिनल आप छोटा बनाते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब आपने एक प्लेट को कनेक्ट किया तो वो पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को आप पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। मान लीजिए इसने पॉजिटिव टर्मिनल ने इसके 8 electrons खींच लिए, तो 8 vacancies यहाँ क्रिएट हो गई। कई बार बच्चा समझता है कि ये प्रोटॉन्स है, नहीं जी, प्रोटॉन्स तो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बाउंडेड है। इस पॉजिटिव साइन का मतलब है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो गई है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं। मान लीजिए हम इस पॉजिटिव प्लेट के बिल्कुल पास, बहुत ज़्यादा नज़दीक एक दूसरी न्यूट्रल प्लेट रखते हैं, हो सके तो दोनों का सरफेस एरिया आप और थिकनेस और मटेरियल बराबर लें, अगर आपको पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना है। तब ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ करके इस वैकेंसी की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। वही बात है, राम नाम जपना पराया माल अपना, अपनी जगह छोड़ दी और दूसरे की जगह कब जाने की बात हुई यहां, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। ये शिफ्ट हुए इनकी तरफ और ये इंड्यूस हुआ चार्ज। तो इस मेथड को आप इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो इंडक्शन मेथड सेकंड मेथड है। पहला आपने फ्रिक्शनल पढ़ लिया, वो आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था अभी कि फ्रिक्शन से आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ आप इंडक्शन मेथड में एक पॉजिटिव प्लेट ली थी, उसे आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, एक आपने न्यूट्रल प्लेट लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ने खींच लिया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई। फिर आपने एक साइड में न्यूट्रल प्लेट रखी, लेकिन न्यूट्रल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंसी की तरफ प्रभावित हुए, अट्रैक्ट हुए और अपनी जगह छोड़ दी, और जहाँ से छोड़ दी वहीं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज पैदा हुआ। इस मेथड को आप इंडक्शन मेथड कहेंगे। अब बात करते हैं कंडक्शन मेथड, जिस पे न्यूमेरिकल 2 marks का, 1 marks का कई बार CBSE दे चुका है। कंडक्शन मेथड में आप जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, आपने अगर ध्यान दिया हो फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन इंडक्शन मेथड में बॉडी के बॉडी पर ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जिस बॉडी में इंडक्शन हुआ है सिर्फ वहाँ चार्ज की शिफ्टिंग होगी, लेकिन कंडक्शन मेथड ढंग से समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी, और ए बॉडी से आपको बी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो आप एक वायर की हेल्प ले सकते हैं। ये वायर है, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। अगर आप वायर की हेल्प नहीं लेना चाहते तो दोनों को आप कॉन्टैक्ट में इस तरीके से रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने वायर रखा है, अभी समझिएगा बहुत ध्यान से, मैंने वायर रखा है और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स मुझे ए बॉडी से बी पर ट्रांसफर करने हैं, तो मान लीजिए मैंने 2 electrons ट्रांसफर किए, तो 2 electrons के बराबर नेगेटिव चार्ज बी पर चला जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे गए हैं वहां उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ये वैकेंसी है उन इलेक्ट्रॉन्स की जहां जो इलेक्ट्रॉन चले गए। आप एक चीज समझिएगा, जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसका मास हल्का सा इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1×10⁻³⁻³ kg के बराबर होता है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका मास 2 electrons के बराबर इंक्रीज होगा और इसका 2 electrons के बराबर डिक्रीज होगा। अब इस पर रिलेटेड आप क्या करेंगे समझिएगा बहुत ध्यान से।
मान लीजिए एक ए बॉडी थी और एक बॉडी बी, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिएगा क्यू ए और इसके ऊपर चार्ज मान लिया मैंने क्यू बी, जब ये एक दूसरे से अलग थे। मान लीजिए नेक्स्ट कंडीशन में ये एक दूसरे के पास आए और पास होने के बाद ये एक दूसरे से फिर दोबारा जुदा हो गए, दोबारा से अलग हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे तब इसके ऊपर भी चार्ज इतना बचेगा और इसके ऊपर भी चार्ज इतना ही बचेगा। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए क्यू ए चार्ज था और क्यू बी किसी दूसरी बी बॉडी पर चार्ज था, दोनों अट्रैक्ट हुई एक दूसरे के साथ, दोनों कनेक्ट हुई। वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिमिलर चार्ज पार्टिकल, सिमिलर चार्ज बॉल थी और आपने जबरदस्ती एक दूसरे के पास रखी हो, ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकती है। तो उन दोनों का चार्ज आप ऐड करेंगे, फिर जब दोनों को आप सेपरेट करेंगे तो इसके ऊपर भी चार्ज, जो ये चार्ज था इसका हाफ इसके पास रहेगा और हाफ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंडक्शन मेथड पर रिलेटेड आप एक न्यूमेरिकल समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं गारंटी लेता हूँ आपको चेक करना भी सिखाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। आप पेपर में समझ जाएंगे आपने आंसर सही किया या गलत। इफ ए बी सी आर थ्री स्फीयर्स, ए कंसिस्ट चार्ज प्लस फोर कूलम्ब, गिवन क्या है सबसे पहले आप वो लिखिएगा। ये गिवन है कि ए स्फीयर पर प्लस फोर कूलम्ब चार्ज है, बी कंसिस्ट माइनस फोर माइनस टू, बी के ऊपर माइनस टू कूलम्ब चार्ज है एंड सी इज न्यूट्रल, सी न्यूट्रल है जीरो कूलम्ब, मतलब इसके ऊपर जीरो कूलम्ब है, जो सी स्फीयर है वो न्यूट्रल है। अब पढ़िएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ ए फर्स्ट ए प्लेस्ड विद बी, अगर पहले ए को बी के साथ रखा जाए एंड देन विद सी, इस तरीके के न्यूमेरिकल में आप एक बात समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि पहले ए को बी के साथ रखा और फिर सेपरेट कर लिया। अगर आपको न्यूमेरिकल में एक क्लियर नहीं किया गया कि देन सेपरेट, तो आप फिर भी समझेंगे देन सेपरेट। इफ ए प्लेस्ड विद बी एंड देन विद सी, मतलब ए बी के साथ रखा गया, फिर सेपरेट किया गया, फिर ए को सी के साथ रखा गया, समझिएगा ए प्लेस्ड विद बी एंड देन विद सी, पहले ए को बी के साथ रखा, जब ये दोनों साथ रखे जाएंगे तो दोनों का इकट्ठा चार्ज कितना होगा, प्लस फोर कूलम्ब प्लस माइनस टू कूलम्ब, मतलब प्लस टू कूलम्ब बचेगा ए बी के पास। फिर ए बी सेपरेट होंगे तो ए के पास प्लस वन कूलम्ब बचेगा और बी के पास भी प्लस वन कूलम्ब बचेगा। अब क्या कहा गया, देन विद सी, अब ए को सी के साथ रखा गया, मान लीजिए मैंने सी को यहां से उठाया और इसके साथ रखा, दोनों कनेक्ट किए, कनेक्ट होने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस वन कूलम्ब इसका था, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर जीरो कूलम्ब, तो प्लस वन कूलम्ब बचा एंड देन दे विल सेपरेट। क्यों, क्योंकि भाई दो स्फीयर है और दोनों पर नेट चार्ज प्लस वन कूलम्ब है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, देन दे विल रिपेल ईच अदर, जब वो रिपेल करेंगे तो प्लस हाफ कूलम्ब ए ले जाएगा और प्लस हाफ कूलम्ब बी ले जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आया कि फाइनल चार्ज बी के ऊपर ये बचा, ए के ऊपर ये बचा और सी के ऊपर ये बचा। अब समझिएगा जरा ध्यान से कि आंसर आपका सही है या गलत, आप किस तरीके से देखेंगे। अगर लास्ट में तीन स्फीयर का आपको न्यूमेरिकल दिया गया है और लास्ट में दो स्फीयर पर सिमिलर चार्ज आ जाए और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो सिमिलर, और ये भी हाफ तो मैग्नीट्यूड बराबर, तब आपका आंसर 101% सही होगा। ये आपके पास था कंडक्शन मेथड। अब बात करते हैं थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे सिंपल जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी।
एडिटिविटी क्या बोलती है आप समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम है और उस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग चार्ज है। मान लीजिएगा 1, Q2, Q3 एंड Q1। तो एडिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी जो क्या कहती है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल चार्ज स्प्लिटिंग एट द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए आपके घर में चार रूम है, 1, 2, 3, 4, एक में चार्ज Q1 आया, एक में Q2, एक में Q3 और एक में Q1। तो आपके घर पर जो टोटल चार्ज क्यू आया है वो सभी के सम के बराबर होगा, ये एडिटिविटी। अब इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल बच्चा गलत करता है, बहुत आसान है देखने में, अब गलत करेंगे कैसे। मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल आया कि फाइंड नेट चार्ज ऑन सिस्टम इन फिगर, ये +4 कूलम्ब, ये -1 कूलम्ब, ये +2 कूलम्ब, ये -9 कूलम्ब, मान लीजिए 6 कूलम्ब और ये +5 कूलम्ब। आसान है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप तरीका अगर पूरा सही दिखाएं तो क्या कहेंगे आप, सबसे पहले इसमें आप नेट चार्ज, ये सॉल्यूशन है, पॉजिटिव चार्जेस सबसे पहले लिखेंगे आप, +4 कूलम्ब आप पूरा लिखेंगे, +5 कूलम्ब, +2 कूलम्ब, और इसमें आप ऐड करेंगे -6 कूलम्ब को और -1 कूलम्ब। मैंने कहा ना बच्चा गलती करता है, बच्चा क्या लिख देता है डायरेक्ट इस तरीके से। हम एडिटिविटी पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन को फिजिक्स नहीं मानता, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन को ही फिजिक्स मानता है। तो आप माइनस चार्ज भी हमेशा ऐड करेंगे पॉजिटिव चार्ज में, ना कि घटाएंगे, ना कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप देख लीजिएगा 9 to 11 आपके पास +4 कूलम्ब चार्ज बचा, तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम +4 कूलम्ब, ये आसान थी बहुत। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज मैं आपको बताऊंगा, ये उसमें क्लियर करूंगा, बस आप ये समझिएगा कि चार्ज कभी भी स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं होता। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ kg है। एक फॉर्मूला होता है आपके पास रिलेटिविटी का, रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी 1903 से 1927 तक, उस थ्योरी में उन्होंने बताया था स्पीड के साथ मास इंक्रीज हो जाता है अगर स्पीड 100,000 km/s या 200,000 km/s या इसके आसपास हो, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसी में आप समझिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप 200,000 km/s की रफ्तार से लेकर के चलते हैं तो इसका मास जितना था, रेस्ट मास जो था, उससे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज एज इट इज रहेगा। मतलब स्पीड के साथ बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होता है, मास इंक्रीज होता है अगर स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड हो, मतलब 1 या 1.5 या 2 लाख किलोमीटर/s के आसपास की स्पीड हो। तो आप इसके बाद ये समझिए कि अगर आपको मास इंक्रीज करना है तो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। हमने 9th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था मास डू नॉट चेंज, वेट चेंज, वो अलग बात थी, वहाँ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात थी। मास विल बी चेंज विद स्पीड इफ स्पीड इज रिलेटिविस्टिक। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्स चलता है तब उसका मास इंक्रीज होता है, लेकिन उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो चार्ज बरकरार उतना ही रहता है। चार्ज डू नॉट चेंज विद स्पीड। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो ट्रांसफ़र करेंगे चार्ज,
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को आप 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी भी आप 1/2 या 2/3 या 4/3 की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। CBSE कई बार ये क्वेश्चन पुट अप कर चुकी है, व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड टू स्प्लिट एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आप हमेशा चार्ज को जो ट्रांसफर करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 n तक होगी, n एक हॉल नंबर होगा। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, अगर आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी, और आप एक वायर की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं चार्ज। मान लीजिए वायर की हेल्प से मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ए से बी पे मैंने ट्रांसफर किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के नाम का एक नेगेटिव चार्ज, दो के नाम के दो, और तीन के नाम के तीन, और चार के नाम के चार। तो मैंने चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए बॉडी ए से बॉडी बी पर, या मैंने एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए हैं। मान लीजिए मैंने एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, तो क्वांटाइजेशन क्या कहती है कि ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर 1/2 या 2/3 या 3/4। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसे स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद समझिएगा जरा ध्यान से, ये ट्रांसफर चार्ज होगा, ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होगा। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बॉडी से आप चार्ज ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए आपने इससे चार्ज ट्रांसफर किया है, तो इसका मास रिड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कोई मास होता है। ये CBSE में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डज द मास विल डिक्रीज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे यस, मास विल बी डिक्रीज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए हैं उनके मास के बराबर एक बॉडी का मास डिक्रीज होगा जिससे ट्रांसफर किए हैं, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसका मास इंक्रीज होगा इक्वल टू द मास ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, जो ट्रांसफर किए हैं उनके मास के बराबर इसका मास इंक्रीज होगा और इसका मास डिक्रीज होगा। चलिए बात करते हैं एक बेहतरीन से न्यूमेरिकल की, जो क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम चार्ज, या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। सबसे पहले आप सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला याद रखेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या कहते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ताल्लुकात रखता है। तो आप सबसे पहले क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज आपने ट्रांसफर किया है या ट्रांसफर करना है, या एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक कूलम तो आपने क्यू की वैल्यू रखी, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता ही है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम से कूलम कटा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ बचा। अब कई बार बच्चा ये ऐसे डिजिट देख करके न्यूमेरिकल छोड़ देता है, डिजिट सोल्व करने का तरीका, आप इस 10⁻¹⁹ को ऊपर ले जाइएगा और लिखिएगा 10⁻¹⁹ और ये बचा 1.6। अब ये आप पॉइंट हटाइएगा, यहाँ जीरो आएगी, और ये 10⁻¹⁹ का मतलब है 1 के सामने 19 जीरो, तो आप एक जीरो इसे दे दीजिएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और 10⁻¹⁹ बचेगा। अब आप ये डिवाइड कर दीजिए 6.25,
10^18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में होते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, कंसेप्चुअल थोड़े टफ होते हैं। अगर आप कंसेप्चुअल और थ्योरी अच्छे से करेंगे तो न्यूमेरिकल तो आसान है, उसमें तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है। चलो लेते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि आप कितनी सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे और इतने चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितनी सेकंड्स लगेंगी। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। एकदम बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिया है मैंने। क्या 10^6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र ईच सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र 1 कूलम्ब चार्ज। मान लीजिए एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पर या ए बॉडी से बी बॉडी पर 1 सेकंड में 10^6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। जब 10^6 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफर हुए, सबसे पहले 1 सेकंड में ट्रांसफर चार्ज निकाल लीजिएगा। जो आपके पास 1 सेकंड में चार्ज ट्रांसफर आएगा उससे आप 1 कूलम्ब को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज आप ट्रांसफर कितने टाइम में करेंगे। देखिएगा जरा, चार्ज ट्रांसफर ईच सेकेंड क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, 10^6 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये, तो कितने कूलम्ब आया आपके पास, 1.6×10^-13 कूलम्ब। 10^-13 कूलम्ब आपने चार्ज ट्रांसफर किया 1 सेकंड के अंदर। अब 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला ये है कि चार्ज अपॉन ट्रांसफर चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन ट्रांसफर चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन ट्रांसफर चार्ज। भाई 1 कूलम्ब और ये 1.6×10^-13 कूलम्ब, कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, आप 1/1.6×10^ ये ऊपर ले जाएंगे तो 10^13 पॉजिटिव में आएगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, इसके बाद ये 10/16 बचा तो आप 1 0 इसे दे दीजिएगा, उसकी 0 कम कर दीजिए ताकि आपको सोल्व करने में आसानी हो। अब आप इसे डिवाइड कीजिएगा, 6.25×10^12 सेकेंड्स आपको टाइम लगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर करने में, अगर आप 10^6 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में ट्रांसफर करते हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज की। मास या तो ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, सिर्फ मासेस मासेस है, अभी सिर्फ उसके बारे में समझिएगा आप। मान लीजिए 2 मासेस हैं तो 2 मासेस क्या होंगे, क्लास 11th में हमने पढ़ा था दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो मासेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर चार्ज है, अगर पार्टिकल चार्ज्ड है या हम चार्ज्ड पार्टिकल या 2 चार्जेस बॉडीज की बात करते हैं, तब अट्रैक्शन भी हो सकती है एंड रिपल्सन भी। देखिए जरा ध्यान से, मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, मासेस हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को। न्यूटन ने कहा था कि 2 मासेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर विल बी अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम क्लास 9th एंड क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। अब चार्जेस मे बी अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कब करेंगे चार्जेस, जब अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, देन दे विल अट्रैक्ट। चार्जेस मे बी रेपेल, अगर लाइक चार्जेस हैं देन दे विल रेपेल ईच अदर। जो इनके बीच फोर्स होगा उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले मिस्टर कूलम्ब ने बताया था, इसीलिए उसे कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मास इंक्रीज विद स्पीड। मास स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, जैसे कि वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इफ स्पीड इज अप्रोक्स टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड उस पार्टिकल की जिस पार्टिकल का मास है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट 290,994 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हम अप्रोक्स में पढ़ लेते हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर उसके आसपास किसी ऑब्जेक्ट का मास स्पीड होती है तो उसका मास इंक्रीज करता है, वो बताऊंगा अभी किस तरीके से। पहले यहां समझिएगा ध्यान से कि मास इंक्रीज होगा स्पीड के साथ, अगर स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है,
चार्ज डू नॉट चेंज विद स्पीड, चार्ज चेंज नहीं होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो इंक्रीज होगा लेकिन उसका चार्ज वही रहेगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। मास उसका इंक्रीज होगा 9.1 × 10⁻³¹ kg से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, इट फॉलो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, जो हम क्लास 11th में पढ़ कर के आए हैं, यूनिट 6 ग्रेविटेशन में F इज इक्वल्स टू gmm/r², वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग था, ग्रेविटेशन लॉ। तो मासेस हमेशा उस फॉर्मूले को और न्यूटन्स की उस थ्योरी को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ फॉलो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इंट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ चार्जेस वाला फॉर्मूला होगा जो आप क्लास 10th में पढ़ कर गए हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ q₁ × q₂/r² मतलब ये कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करते हैं चार्जेस और मासेस न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। बात करते हैं मास इंक्रीज होगा कैसे, अगर स्पीड ऑफ लाइट से एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ट्रेवल करे। तो आप इसके लिए सबसे पहले लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को समझिएगा, जिसे अप्लाई किया था मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी में, मतलब टाइम ट्रेवल थ्योरी में। उन्होंने क्या कहा, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट पोजीशन में मास एम नोट है, तो उसका मास चेंज हो जाता है अगर वो अपनी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कर ले। और वो किस तरीके से चेंज होता है, m√1−v²/c²। यहां ये रेस्ट मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ मास, ये मास इन मोशन, मास इन मोशन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चला कि उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर हो गई, तो v अप्रोक्स c के बराबर हो गई, मान लीजिए लेट, तब इसे क्या लिखेंगे आप, c²/c², ये कट के बनाया आपके पास, तो m0/1−1 मतलब m0/√0, और √0, देखिए मेरी बात समझिएगा, √0 को हम जीरो मान लेते हैं ऑर्डिनरी मेथड में, लेकिन √0 की वैल्यू अनडिटर्मिनेंट होती है, मतलब कि इतनी छोटी, बहुत ही छोटी, जीरो तो शून्य है, जीरो से कुछ अलग, तो हम जीरो मान लेते हैं, तो ये आएगा something/0=∞। तो जितना मास रेस्ट पोजीशन में था उसके रेस्पेक्ट में उसका मास इनफाइनाइट हो गया है, मतलब 20-30 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब एक चीज़ समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट से कौन चल सकता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जिसका रेस्ट मास जीरो है, जैसे कि फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, रोशनी के एनर्जी के पैकेट्स। कई बार आप अंधेरे कमरे में धूल के पार्टिकल्स देख लेते हैं, तो सभी उसमें 100% धूल के पार्टिकल नहीं होते हैं, 1% उसके अंदर फोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो जो फोटॉन्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज होने के लिए रेस्ट मास होना जरूरी है और उनका रेस्ट मास जीरो होता है। CBSE ने कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया है, फोटॉन्स डू नॉट एक्वायर एनी चार्ज बाय गिव रीजन, तो आप क्या कहेंगे, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, सो दे डू नॉट एक्वायर एनी चार्ज। अब उनका रेस्ट मास जीरो है क्यों, आप ये समझिएगा, इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, आप कहेंगे उनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो m इज इक्वल्स टू m0/1−c²/c², तो m0/√1−1 मतलब m0/0। तो m0 किसके बराबर आया, जीरो की मल्टीप्लाई मैंने m से की, m × 0, तो मतलब रेस्ट मास फोटॉन्स का जीरो होता है, कोई भी पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका रेस्ट मास जीरो होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पूरा बताऊंगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मान लीजिएगा यह आपका एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और नेक्स्ट चैप्टर में से आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन या वो एमसीक्यू में मिले सीबीएसई बोर्ड में आईसीएसई में, या आपको वन वर्ड में मिले, 101% आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे मिलेगा।